बड़ी खबर से जो आ रही है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में हरिभाऊ बागड़े स्पीकर होंगे। शिवसेना और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार वापस ले लिए हैं। आपको बता दें कि कल ही मुख्यमंत्री फडणवीस ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें ये अनुरोध किया था तमाम दलों से स्पीकर को कम से कम निर्विरोध चुना जाए। अब कम से कम एक राहत की खबर, जो अच्छी खबर फडणवीस सरकार के लिए सुबह सुबह आई है, वो ये कि निर्विरोध स्पीकर का चुनाव होगा। हरिभाऊ बागड़े जो कि बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी थे वो स्पीकर होंगे। शिवसेना ने अपने विजय आउटी को का नाम वापस ले लिया है और साथ ही साथ कांग्रेस ने वर्षा गायकवाड़ को खड़ा किया था मैदान में, उन्होंने भी अपना नाम वापस ले लिया है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, सबसे पहले सबसे अच्छी खबर शायद फडणवीस सरकार के लिए सुबह सुबह यही आई है, कम से कम स्पीकर निर्विरोध चुना जाएगा। जी हाँ, जो कि किसी भी विधानसभा को चलाने में काफी महत्वपूर्ण होता है आंचल, कि अगर अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है तो, और वो भी खासकर वो भी बीजेपी का अध्यक्ष हो, तो ये बहुत बड़े मायने रखता है। और ऐसी स्थिति में जबकि देवेंद्र फडणवीस की अग्नि परीक्षा, शक्ति परीक्षण और ताकत आज उनको दिखानी है सदन में, ऐसी स्थिति में अध्यक्ष का निर्विरोध चुना जाना, हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने हर राजनीतिक दल से बात की थी और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से भी बात की थी, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि हरिभाऊ बागड़े निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। लेकिन अब बात आकर पेंच फंसता है कि आखिर शिवसेना जब विरोध में, जब ये विश्वास मत का प्रस्ताव लेकर देवेंद्र फडणवीस सदन में आएंगे तो शिवसेना उनके विरोध में वोटिंग करेगी, इस बात को रामदास कदम ने साफ तौर पर कह दिया। तो अब ये जहां तक बात आती है कि आखिर अब देवेंद्र फडणवीस आखिर अपना विश्वास मत सदन में कैसे हासिल करेंगे, कैसे जीतेंगे, तो इसमें साफ है कि देवेंद्र फडणवीस के पास 122 विधायक हैं, 122 के अलावा कई निर्दलीय हैं, और जब अगर एनसीपी सदन से गैर हाजिर रहती है या गैर मौजूद रहती है तो उस सूरत में सीधे सीधे तौर पर 124 मत होने चाहिए, और इस स्थिति में देवेंद्र फडणवीस को निर्दलियों का सहारा है, जिसके चलते ऐसा लगता है कि वो अपनी नैया आज पार कर लेंगे। नैया पार कर लेंगी। ऐसे में एक और बड़ी खबर आ रही है जिसका भी रुख कर लेते हैं। भले ही आज महाराष्ट्र में स्पीकर का चुनाव निर्विरोध हो रहा है, लेकिन शिवसेना देवेंद्र फडणवीस सरकार के खिलाफ वोट करेगी। रामदास कदम ने कहा कि विपक्ष में बैठने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं, लाचार नहीं है शिवसेना। आज सुबह सुबह संदेश दे दिया गया है शिवसेना की तरफ से बीजेपी को।